अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में मैं आपको पेन पर ईमान नाम लिखना सिखाऊंगी। उस पर्पज़ के लिए मैंने ये डॉक्स का जेल पेन इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। इसकी साइड्स अगर आप देखें तो ये सारी बिल्कुल स्मूद होती हैं, कहीं से बड़ी कहीं से छोटी नहीं होती। और पेन बनाने के लिए हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए होता है थ्रेड के साथ काम करने का, जो बिल्कुल स्मूथ हो। इस तरह से बेशक हो थोड़ा सा कट्स में, लेकिन यूँ बिल्कुल स्मूथ हो और एक हिसाब से जा रहा हो, ठीक है, राउंड हो प्रॉपर। उसके लिए मैंने ये पेन इस्तेमाल किया है और कर रही हूँ। और ये थ्रेड है मेरे पास, पैराशूट का थ्रेड है, थ्रेड नंबर 6 इसको बोला जाता है। और ये दूसरा है, इसको भी ये पैराशूट का ही थ्रेड है। और एल्फी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, कोई भी एल्फी आप इस्तेमाल करें। और सीज़र ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले पेन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैं इस पेन पे नाम लिखना स्टार्ट करूँगी, कैप में बाद में बनाऊँगी। पेन बनाने के लिए आपने क्या करना है, जिस धागे से नाम लिखना है, जिस धागे से नाम लिखना है ना, उसको मेयर कर लें इतना सा, जितना हमारे पास पेन है ना उतना इसको मेयर कर लें। यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे पास पेन आ रहा है, जितने एरिया में लिखना होता है, हमने ढक्कन जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ से यहाँ तक इतना एरिया माप के, जैसे यहाँ से यहाँ तक है इतना मैंने इसको माप लिया। अब इतने मैंने 12 लेने हैं, 12 लेने हैं, तो इसको मैं इस तरह से ही फोल्ड कर लूँगी। यहाँ देखे तो अब 1, 2, 3 और 4 बन रहे हैं, 4 2 8 होते हैं, मुझे 6 चाहिए यहाँ पे। कितने हो चुके हैं अब, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। इतने लेकर 6 2 12, और यहाँ से मैं इसको थ्रेड को काट लूँगी। थ्रेड को काटने के साथ साथ मैं इनको भी यहाँ से सेपरेट कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ से इस थ्रेड को भी, इनको भी जॉइंट्स को ख़त्म करके सेपरेट कर लूँगी। कोई सी भी सीज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो मैटर। तो इन थ्रेड्स को आप यूँ साइड पे रख लें, 12 थ्रेड्स आपके होने चाहिए। अब ये जो धागा है इससे मैं राउंड, यूँ राउंड लूँगी इसके ऊपर ना, तो ये थ्रेड मैं उसके राउंड के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप यूँ धागे को रखें, धागा जब आपने पेन पे रखना है तो यूँ रखना है, ये इतना सा धागा आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, और यूँ इतना रख के इसको जस्ट रोल कर लें यूँ। और आपने थ्रेड को टाइट रखना है, पेन को घुमाते जाएं या धागे को घुमाते जाएं, बात एक ही है, आपका थ्रेड यहाँ पे यूँ देखिए राउंड हो जाएगा। अब मैंने फॉर डिज़ाइनिंग यहाँ पे अगर ये कलर इस्तेमाल करना है सेकंड वाला, थोड़ा सा मैं और नीचे बना लेती हूँ, क्योंकि ईमान वर्ड थोड़ा शॉर्ट सा है तो वो दरमियान में आ जाएगा। ईमान वर्ड में लिखना चाह रही हूँ, नेम यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ, तो वो दरमियान में आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से ज़रा ज़्यादा ले लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने दूसरा थ्रेड इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे लगाना है डिज़ाइन के लिए, तो यहाँ इस थ्रेड को भी मैं इसी तरह से रखूँगी, ठीक है, यूँ रख के। अब ये दोनों थ्रेड्स एक साथ टर्न होंगे, ये भी अंदर इसके नीचे होना चाहिए, ताकि उसके नीचे टाइट हो जाए, छुप जाए टाइटली और खुले ना। थ्री या फोर राउंड इसके लेने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी, ठीक है। इस धागे को कट कर लेती हूँ,
ये जो ऑफ वाइट कलर का धागा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना सा कट करने के बाद आप दोबारा से यही कलर इस्तेमाल करें, इसी कलर से दोबारा राउंड लें, और यहाँ से बिल्कुल भी आपने पेन को छोड़ना नहीं है, ना लूज़ छोड़ना है ना नीचे छोड़ना है, ये खुल जाएगा आपका धागा। जब इतना धागा हो जाए एटलीस्ट कि वो नीचे से निकल नहीं सकता, तो उसके बाद आप इसको ब्लेड के साथ काट लें। अब यहाँ से ये चीज़ देखें कि ये धागे काफ़ी इसके नीचे आ चुके हैं ये दोनों, तो अब ये इनका निकलने का या ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। तो इसको मैं थ्रेड के ब्लेड के साथ काट लेती हूँ। कोई सा भी बड़ा छोटा आप कोई सा ब्लेड जो नॉर्मल ब्लेड होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस धागे को काटना, और इतनी ध्यान से काटना है कि पीछे वाला धागा जो मैरून वाला है वो ना कट जाए। अच्छा, यहाँ बहुत ध्यान से आपने काटना है ये धागा। ये काटने के बाद एक दो राउंड्स लें, ठीक है। ये दो राउंड्स लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या रखती हूँ, ये वाले धागे रखूँगी, ठीक है। ये जो 12 धागे मैंने बनाए हैं ना काटे हैं अलग से, इनको मैं अब यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। इन धागों को इस तरह से रखना है आपने, इस तरह से रखने के फौरन बाद यूँ रख के फटाफट आप इसको टाइट सा राउंड ले लें, टाइट राउंड लें, और आहिस्ता आहिस्ता इसको पीछे करते जाएं धागे को, ठीक है। टाइटली इसको करना है। पांच छह राउंड्स के बाद भी ये टाइट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, तीन चार सात आठ राउंड्स इस तरह से ले लें लाजमी, ठीक है। अब इतने राउंड्स लेने के बाद अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा सेट हो चुका है अपनी जगह पे। अब धागों को ज़रा से सेट कर लें, खुला कर लें, लेकिन पुल होने से वो पुल हो रहे हैं पीछे की तरफ, तो ज़्यादा टाइट करें, थोड़ा सा उनको सेट करें और एक दो राउंड्स और ले लें ताकि वो अपनी जगह पर सेट आ जाए, खुले खुले आ जाए, मतलब ज़्यादा एक दूसरे के ओवरलैप ना करें, ठीक है। इस तरह से अब मैंने कर लिया। अब स्टार्ट होता है मेरा फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर स्टार्ट करने के लिए अब यहाँ से मैं अपना फर्स्ट लेटर स्टार्ट करूँगी जो है मेरे पास ई। लेटर ई के लिए ये जितने थ्रेड्स हैं 12 थ्रेड्स हैं मेरे पास, उनको मैंने यहाँ से ऐसे ऊपर कर लेना है, ठीक है। इन सब थ्रेड्स को ऊपर करने के लिए करने के बाद नीचे से दो राउंड्स मैरून के लिए लेने हैं। ठीक है, दो राउंड्स मैरून के ले लिए। अब नेक्स्ट चीज़ है जो मेरे पास ई के यू शेप होती है ना आगे की तरफ तीन वो होती हैं, उसके लिए दो ले लूँगी, दो थ्रेड्स में ऊपर की तरफ से इन दो थ्रेड को ऊपर कर लें आप फिंगर पे, या जहाँ भी आप सूटेबल हो आप उनको पीछे करके रख सकते हैं। दरमियान में तीन थ्रेड्स आ जाएंगे, एक दो तीन, तीन थ्रेड्स दरमियान में आ जाएंगे, और दो ये वाले थ्रेड्स फिर पीछे हो जाएंगे, फिर तीन थ्रेड्स दरमियान में आ जाएंगे, एक दो तीन, ठीक है। और ये जो दो थ्रेड्स बचते हैं ये भी साइड पे यहाँ पे आ जाएंगे मेरी फिंगर के नीचे, ठीक है। दरमियान में जो कम्बिनेशन तीन इधर दो उधर, ऊपर वाले सबसे जो ऊपर वाले दो हैं उनको मैंने पीछे कर लिया, तीन को मैंने सीधा रख लिया, फिर दरमियान वाले दो को मैंने पीछे कर लिया, फिर तीन को मैंने बीच में सीधा रख लिया, इसी तरह फिर आखिर में जो दो बचते हैं उनको भी मैंने पीछे कर लिया। अब यहाँ से आपने मैरून के चार राउंड लेने हैं, वन
2, 3, 4 आपके सामने 4 राउंड्स ले लिए हैं मैंने मैरून के। अब इन धागों को छोड़ दें और ये देखें ये खुला खुला आ रहा है, क्लोज कर लें आपको नज़र आ रहा है इनमें स्पेस आ रही है, तो इनको यूँ पीछे कर लें। और अब इन धागों को जस्ट पुल कर लें, ये जो 3-3 नीचे वाले हैं यूँ रखें और इनको पुल करें ताकि ये अपनी शेप इनकी सेट आ जाए जगह पे। अब ये जो धागे थे इनको इन्हीं की जगह पर आगे लेकर जाएं जहाँ जहाँ से ये हमने उठाए थे, आगे मतलब आगे उस जगह पर रखें धागे, आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो। अब यहाँ से 2 राउंड्स ले लें मैरून के, अगेन 1 एंड 2, ठीक है। ये 2 राउंड्स मैंने मैरून कलर के ले लिए हैं, इनकी जगह पर सेट कर दें और यहाँ पे इसको टाइट कर लें। ये ऐसे होता है, और जो आई से ईमान लिखना चाहते हैं तो मैंने हर लेटर की अलहदा से वीडियो डाली हुई है, हर अल्फ़ाबेट की कि किस तरह से वो अल्फ़ाबेट लिखा जाता है पेन पे, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी चेक कर सकते हैं और ये आई बटन में जाके उसका लिंक भी देख सकते हैं। थोड़ा इन थ्रेड्स को पुल करें ताकि वो अपनी जगह पर सेट आ जाए। ये आपके पास आ गया है लेटर ई, ठीक है, लेटर ई है हमारे पास। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास ईमान के लिए एम। एम के लिए ये आल लेटर सबसे पहले हमने ऊपर कर लेने हैं इसी तरह से जैसे हमने पहले प्रोसेस किया, अगेन 1 एंड 2 राउंड्स, 2 राउंड्स हमने इसके ले लिए। अब इन सब धागों को यूँ नीचे कर लें। एम के ऊपर से हमने लाइन बनानी होती है तो ये 2 थ्रेड्स ऊपर कर लें आप, ठीक है, और बाकी के ऊपर 2 राउंड ले लें मैरून के। सबसे ऊपर वाले 2 थ्रेड्स मैंने ऊपर किए हैं और जो सेपरेट हो फिर इनको साथ साथ पीछे की तरफ पुल करते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 थ्रेड्स, उन 2 थ्रेड्स को आप नीचे रखना है, इन 2 थ्रेड्स को आप ऊपर कर लेना, ये 2 अब नीचे आ जाएंगे। 1 और 2 राउंड्स मैरून के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 2 थ्रेड, अब वो 2 भी अपनी जगह पे सेट आ जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 को उठाना है और ये इसको यहाँ से 2 राउंड ले लेने ऊपर से। अब इसी प्रोसेस को उल्टा जाएं, मतलब पहले ये वाले 2 थ्रेड अब नीचे हो जाएंगे, जो पीछे वाले 2 थ्रेड थे जैसे ये आम ने उठाए थे इन्हीं को ऊपर दोबारा उठा लें और इनको बिल्कुल सीधा रख दें। फिर 2 राउंड्स ले लें यहाँ पे मैरून कलर के, ठीक है। कोई से भी कलर कम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं, हाँ बस ये है कि कलर कम्बिनेशन आपने लाइट और डार्क का यूज़ करना है, सेम कलर्स नहीं आ सकते कि डार्क डार्क ही आ जाएँ लाइट लाइट ही आ जाए। अच्छा, ये देखें इन 2 को छोड़ दिया, अब जो सबसे ऊपर वाले 2 हैं अब मैं इनको ऊपर उठाकर यहाँ से दोबारा 2 धागे 2 राउंड मैरून के ले लूँगी। यहाँ पर ये भी आ चुके हैं, ठीक है, ये देखें। अब इनके साथ ही इसको पूरा ऊपर कर लूँगी इन सबको एम की दूसरी लाइन के लिए, लास्ट लाइन के लिए। तो 1 एंड 2 राउंड्स इसके आ चुके हैं और इसके साथ ही ये देखें इतना खुला खुला ये आ रहे हैं धागे, तो इनको यूँ पुल कर लें पीछे की तरफ,
अब यहाँ पर सारे धागे अपनी अपनी जगह पर सेट हैं। मैं इनको यहाँ से इस तरह से अब दो राउंड ऊपर से ले लेती हूँ क्लोजिंग राउंड। क्लोजिंग राउंड लेने के साथ ही मैं इसको भी पीछे की तरफ पुल करूँगी और अब ये जो आपके ये धागे इनको की तरफ पुल कर लें ताकि कहीं से ऊपर नीचे आ रहा है तो वो सेट हो जाए अपनी जगह पर। लेटर एम हमारे पास लिखा जा चुका है। नेक्स्ट लेटर मैंने लिखना है ए, ईमान, ई एम ए ए एन। तो ईमान के लिए ए लिखने के लिए सबसे पहले इन ऑल थ्रेड्स को ऊपर करके यहाँ से दो राउंड ए के लिए दो राउंड्स लूँगी, ठीक है। जैसे ये दो राउंड्स लेने के साथ अब ए की शेप ऊपर से बनानी होती है तो सबसे ऊपर वाले दो धागे एक और ये दो, इन दो धागों को हमने ऊपर कर लिया, ठीक है। उसी के साथ एक दो तीन और चार, ये चार जो हैं ये नीचे होंगे और ये मिड वाले चार दो जो हैं ये भी ऊपर आ जाएंगे मेरी तरफ इधर अंगूठे के नीचे, और पीछे ये नीचे बचने वाले भी चार धागे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने चार राउंड्स ले लेने हैं मैरून के, वन टू थ्री फोर, फोर राउंड्स मैरून के ले लिए हैं मैंने इस तरह से। अब इनको भी ऊपर कर लेना है, आल ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। वो तो ऑलरेडी ऊपर है, ये भी ऊपर आ जाएंगे और इधर से नीचे से दो राउंड्स मैरून के, ये दो राउंड्स लेने के बाद इनको अपनी अपनी जगह पर यहाँ से इन धागों को सेट करके इनको अपनी अपनी दरमियान वाली जगह इस तरह से रखें ना कि वो सेट ही आ जाए, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। और दो राउंड ऊपर से दोबारा क्लोज करने के लिए मैरून कलर के ले लिए। सो हेयर इज माई लेटर ए, ठीक है। इस तरह से ये लेटर ए तैयार हो चुका है धागों के साथ। अब नेक्स्ट लेटर भी ए है तो उसको भी आप बना लें, उसके बाद नेक्स्ट लेटर एन की तरफ चलते हैं। इस धागे को अब मैंने काट लिया है इतना सा जगह छोड़ के, अब क्या करूँगी मैं जस्ट इस ये जो लूप बनी हुई है चाहे सीधी है उल्टी, ये जो धागा है इसको यहाँ इस लूप में से गुजारना है, ये है वो टेक्निक और ये लूप हमने इसलिए रखी थी, ठीक है। अब इस धागे को आपने यहाँ इसमें गुजार के यहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है, ये निकल के भाग जाए, देखिए निकल के भाग जाता है भाग जाता है। तो इस धागे को यहाँ पे रखता है, बहुत ज़्यादा भी इसको अंदर नहीं करना, कम से कम इतना होना चाहिए बाहर, नहीं तो थोड़ा सा भी बाहर लाजमी यहाँ तक होना चाहिए। तो इसको क्या करें, अब ये धागा हमने जो लूप का छोड़ा हुआ था इसको इसलिए छोड़ा हुआ था कि जस्ट इससे हम जब यहाँ पे पुल डालें इसमें धागा तो इसको पुल करके निकाल सकें। अब मैंने इतना अच्छा खासा टाइट कर लिया है कि अब मुझसे पुल होने वाली तो कोई गुंजाइश नहीं है, बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से इसको ज़रा सा ऊपर करके रहे। ठीक है, इसको पुल करें, इस धागे को पुल करके बिल्कुल ये दोनों को एक साथ पकड़ना है, ये ना हो कि एक को पकड़े और सिर्फ एक ही निकलेगा, फिर ये वाला धागा आपका नहीं निकलेगा। माशाल्लाह मेरी कोशिश कामयाब हो चुकी है, ये धागा निकल के मेरे हाथ में आ चुका है और ये धागा
यहाँ से बाहर आ चुके हैं। अब इसको भी आपने पुल आउट करना है ताकि ये बिल्कुल सारा का सारा नीचे तक पहुँच जाए। असल में आप इसी धागे को करते हैं ताकि ये देखें यहाँ बीच में से एक लकीर से आपको नज़र आ रही होगी, ये धागा है। जब ये धागा पूरा यहाँ तक बंद होगा तो आपकी एंडिंग देखें किसी तरह से खुलने की लायक नहीं रही, मतलब बिल्कुल भी खुलती नहीं है। तो ये देखें इसको मैं पुल कर रही हूँ, ये करते करते जो है बिल्कुल अंदर यहाँ से, ये देखें बिल्कुल यहाँ से स्मूथ, ये देखें ये बिल्कुल यहाँ से स्मूथ यहाँ अंदर ये धागे के नीचे तक आ चुका है। इस जगह पर अभी ये है। अब मैं इसको यहाँ से ज़रा सा ऊपर कर लेती हूँ, इतनी सी जगह यूँ खींचिए तो तब ऐसे आइए, नहीं तो वो पीछे वाला धागा काट जाता और ये वाला धागा आप काट लें। अब वो धागा मैंने काट लिया और इस धागे के ऊपर से सेट कर लिया। अब यहाँ से देखें कोई एंडिंग, कोई धागा बाहर निकलने वाला नहीं। ये एल्फी लगाने का रीज़न ये है, जब हम पुल करते हैं ना तो ये यहाँ से नीचे तक खुल जाता है। अगर मैं एल्फी ना लगाऊँ तो मैं एल्फी लगा रही हूँ इस पर्पज़ के लिए कि ये खुले ना। और यहाँ से देखें आप स्मूथ किस्म की एक एंडिंग हो चुकी है और हमारा ईमान नेम जो है वो एक पेन पर लिखा हुआ आ चुका है। अब इसका कैप किस तरह से क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर ये जो थ्रेड्स हैं इनको कट कर लेती हूँ। इसी तरह ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा थोड़ा इस धागे को, इन धागों को पीछे करें ताकि ये वाले धागों की जगह बन सके और नीचे वाला धागा हमारा डैमेज ना हो और हमारा सिर्फ इसको कट लगे। नीचे वाला हो गया तो मेरी तो सारी मेहनत गई, बहुत बहुत एहतियात से करना होता है। अल्लाह बचाए, बच गया। सो परफेक्शन की बात नहीं होती, लेकिन ये है कि समटाइम्स यहाँ पे कट्स लग भी जाते हैं तो फिर दोबारा सारा का सारा पेन बनाना पड़ जाता है, यहाँ लगे यहाँ लगे कहीं भी। तो पूरी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अगेन इस वीडियो के साथ कि कैप किस तरह से बनाया जाता है। तो कैप के लिए भी मैंने वही प्रोसेस किया है, धागा उसी तरह से रख कर इस तरह से अब इसको लपेट रही हूँ मैं। ठीक है, धागे को वैसे ही रखना है जैसे मैंने पेन पे रखना बताया है और इस तरह से इसको लपेट लें। जहाँ पे ये धागा टाइट हो जाए वहाँ से इसको कट कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये धागा हो चुका मेरा तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी ब्लेड के साथ। ठीक है, इसी तरह से हाफ तक कंप्लीट करने के बाद इस तरह से जल्दी जल्दी ले लें या कैसे भी। ये पेन बहुत थकाता है, थोड़ा ट्रिकी है। कोई से भी कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये पैराशूट का थ्रेड है, पैराशूट थ्रेड नंबर 6, आपको बाज़ार से नॉर्मली भी मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इस थ्रेड को ऑर्डर कर सकते हैं। पैराशूट थ्रेड इसको बोला जाता है।
देखिए यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है, इतना इतना बना लेने के बाद मैं यहाँ से ये धागा, जैसे मैंने लूप बनाई हुई थी उसी तरह इस धागे को, एक धागा आप दो दफ़ा यूज़ कर सकते हैं अगर वो ख़राब ना हुआ हो तो, ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से एक धागा काटें और दोबारा से यूज़ करें। और इसको भी एज ए लूप जैसे उस पर रखा था, पेन के ऊपर रखा था, उसी तरह मैं यहाँ पर भी इस धागे को रख लूँगी और ये इसके इनर साइड पे ही इसको मैं राउंड कर लूँगी। यहाँ ये टाइट हो जाएगा। इसको जगह पर फिट कर दें यहाँ पे, बस अब इसी तरह एंड तक इसको कंप्लीट कर दें। इस तरह हो तो इसको पुल आउट कर लें। एल्फी नॉर्मली आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा यूज़ तो होती नहीं है, बस ये आखिर आखिर में हमें ज़रूरत पड़ रही होती है तो वहाँ पर हम लगा लेते हैं, वरना वो भी बिल्कुल ज़रा सी बिल्कुल ड्रॉप, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी होती। अब यहाँ पे है ना, जिस तरफ लूप हो उधर एल्फी ना जाए, दूसरी साइड पर लगी हुई हो। यहाँ फिर मैं एल्फी इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ड्रॉप एक है और मैं बिल्कुल उस तरफ नहीं जानी चाहिए, इसकी तरफ नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो भी वहाँ पर जुड़ जाएगा। हालांकि आप अब देख चुके हैं कि हमने इस धागे को, इस थ्रेड को पुल आउट करना होता है। अब यहाँ से मैं उसको कट कर लूँगी, यहाँ तक मैं इसको जोड़ लेती हूँ और इस धागे को अब मैं इसमें सिंपल इंसर्ट कर लेती हूँ और यहाँ से इसको इतना इतना रखना है, ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन बिल्कुल यहाँ तक ही उसमें नहीं ले जाना, ठीक है, लूप उसकी भी बना के रखनी है। और इसको पुल कर लें जैसे हमने पेन में किया, इन धागों को यूँ पकड़ें और ये देखें ये धागा हमारा इस तरह से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी, इस टेक्निक की, कि धागा यहाँ से निकल कर बाहर किस तरह से आ रहा है और इससे धागा हमारा टाइट भी हो जाता है और हाइट भी हो जाता है। यहाँ से बस काटने वक्त एहतियात करनी है कि हमारा बाकी वाला धागा ना कटे। अब ये देखें इसकी स्मूथ एंडिंग, यहाँ से इंसर्ट हुआ और आगे गायब, ठीक है, हाइट भी हो रहा है और वो भी, अभी यहाँ ज़रा सा ज़्यादा पड़ गई तो इतनी नज़र आ रही है, ये ड्राई होने के बाद इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, तो ये हमारे पास इसका कैप भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं, ये अब इस तरह का है कि यहाँ पे प्रॉपर नहीं बनेगा, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, तो अगर आपके पास कोई और पेन है तो आप यहाँ पे भी धागे इसी तरह से रखें, जैसे अब ये धागा है और ये धागा है, ठीक है, जैसे ये वाला हमने यहाँ इस पेन की इस जगह पे ये जो डिज़ाइन बनाया है ना हमने, यही डिज़ाइन हम इस जगह पर भी बना सकते हैं, इस तरह से धागे रखें यूं करके, यूं क्योंकि जगह थोड़ी है ना, इस वजह से मैं नहीं बना रही यहाँ पे, और यूं करके ये धागा आपका जगह कंप्लीट हो जाएगी।
यहाँ से अगर आप रखना चाहें, ठीक है, ये पेन इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ से जब अंदर की तरफ लेना चाहे सिर्फ इस चीज़ को ऊपर लेना चाहे तो ये चीज़ भी कवर हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी कोई उसकी बात नहीं है, मुझे दूसरी वीडियोस में ढक्कन को किस तरह से इस साइड को भी कवर करते हैं मैंने वो भी बताया हुआ है। उसके अलावा से भी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें भी प्रॉपर है कि ढक्कन को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ये पेन ऐसा है जिसमें मैं इस चीज़ को नहीं बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ से जब ये कुछ 2-3 रोज़ ही जाती हैं तो ये खुल जाता है, इस वजह से मैं इसको नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ से इसको करते करते यहाँ से लपेट लेते हैं सारा लाइट कलर के साथ, और ये यहाँ जाके इसी तरीके के साथ लूप यहाँ पे धागा इंसर्ट करते हैं, इसको यूँ रखा जाता है और उसको भी यूँ पुल कर लिया जाता है, और एल्फी इसकी अंदर वाली साइड लगाई जाती है, ठीक है। आप अगर कैप को पूरे को करना चाहते हैं तो इस तरह से कीजिए, और मैंने जो प्रोसेस किया मैं यहाँ तक ही करूँगी। और ये हमारा पेन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इसके अलावा भी आप जो भी पेन चाहें जो भी नेम चाहें लिखवाना चाहें वो आप बता सकते हैं, मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। ये हमारा पेन पूरा रेडी हो चुका है। ईमान नेम मैंने लिखा है, ये हमारे व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड पर लिखा है। आप भी जो भी नेम कहेंगे वो भी लिखा जाएगा, और जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग कहेंगी वो भी सिखाई जाएगी। ये डिज़ाइनिंग बिल्कुल सिंपल डिज़ाइनिंग है लेकिन एलिगेंट है, बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हार्ट बनाना है या कोई शेप बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं सिखा दूँगी। इसके अलावा पेन पे अगर नंबर लिखवाना चाह रहे हैं या इस पेन के ऊपर कोई भी डिज़ाइन और बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी सिखाया जा सकता है। उसके लिए आप नीचे कमेंट में बताना मत भूलिए, और ये पेन और इसकी मेकिंग आपको कैसी लगी है उसके बारे में भी ज़रूर मुझे बताएं।